तो दोस्तों मेरा पैन कार्ड खो गया है, चोरी हो गया है। अब जैसे ही मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ और पर्सनल डिटेल में आता हूँ तो यहाँ पे मुझे अपना पैन कार्ड नंबर देखने को मिल जाता है और मुझे अपना पैन कार्ड नंबर पता चल जाता है। या फिर अगर मैं इस वेबसाइट पर आता हूँ तो ये वेबसाइट मुझे मेरा पैन कार्ड नंबर बता देता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इस वेबसाइट पर मेरा पैन कार्ड नंबर मेंशन किया हुआ है। अब पैन कार्ड नंबर पता चल जाता है तो हम लोग आसानी से पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और उसको रीप्रिंट भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने पैन कार्ड नंबर को पता कर सकते हो। तो पैन कार्ड नंबर कैसे पता करना है इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। 7 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था पैन कार्ड नंबर कैसे पता करें, इस पे आप देख सकते हो 7 महीने में लगभग 4 लाख व्यू है। तो इस वीडियो को देख करके इसमें जो मैंने प्रोसेस बताया है वैसा करने के बाद कुछ लोगों का काम तो हो गया, लेकिन कुछ लोग ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका काम नहीं हो पा रहा और उनको अपना पैन कार्ड नंबर पता नहीं चल पा रहा। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कुछ नए तरीके जिससे कि आप अपना पैन कार्ड नंबर पता कर सकते हो। और वो जो पुराने वीडियो में मैंने तरीका बताया है उसमें लोग ऐसा क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको अपना पैन कार्ड नंबर पता नहीं चल पा रहा, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, अगर आपका पैन कार्ड खो जाता है, चोरी हो जाता है, तो अगर आप अपने पैन कार्ड को डाउनलोड करने जाते हो तो आपको NSDL का ये वेबसाइट दिखाई देता है। अगर आप इस वेबसाइट पर आकर के पैन कार्ड डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको पैन कार्ड नंबर इंटर करना होता है, क्योंकि हो सकता है आपको पता ना हो और यही पैन कार्ड नंबर आप पता करना चाहते हो। या फिर अगर आप पैन कार्ड का रीप्रिंट रिक्वेस्ट डालना चाहते हो ताकि आपके पास फिजिकल पैन कार्ड रीप्रिंट होकर के बाय पोस्ट वापस से मिल जाए, तो भी यहाँ पे रीप्रिंट रिक्वेस्ट डालने के लिए आपको पैन कार्ड नंबर इंटर करना होता है जो कि आपको पता नहीं है। तो अगर आपको अपना पैन कार्ड नंबर पता चल जाता है इस वीडियो को देखने के बाद, तो इन दोनों वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आप पैन कार्ड को डाउनलोड कर पाओगे और यहाँ से आप पैन कार्ड का रीप्रिंट रिक्वेस्ट डाल पाओगे। पैन कार्ड रीप्रिंट के लिए आपको चार्जेस भी लग जाते हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन पैन कार्ड रीप्रिंट होने के बाद आपको फिर से ओरिजिनल पैन कार्ड बाय पोस्ट मिल जाता है, बिल्कुल नया पैन कार्ड। अब बात करते हैं सबसे पहले तरीके के बारे में कि कैसे आप अपने पैन कार्ड नंबर को पता करोगे। तो अगर आपने इनकम टैक्स के वेबसाइट से पैन कार्ड बनवाया हुआ है, इंस्टेंट ई पैन बनवाया था, तो यहाँ पे सिंपली आप अपने आधार कार्ड के माध्यम से पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप इस वेबसाइट पे आते हो incometax.gov.in, तो यहाँ पे आपको साइड में दिखाई देता है क्विक लिंक्स में इंस्टेंट ई पैन, इस पर क्लिक करते हो और अगर आपने यहाँ से अपना पैन कार्ड बनवाया था जो कि यहाँ पे आपको 10 मिनट में बन के मिल जाता है, बस आपको आधार कार्ड चाहिए होता है और 10 मिनट में आपको पैन कार्ड मिल जाता है, यहाँ से आप नया पैन कार्ड बनवाते हो। तो अगर आपने इस साइट से पैन कार्ड बनवाया हुआ है तो यहाँ पे आप आधार कार्ड के माध्यम से पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो डाउनलोड पैन। बस इसके लिए आपको यहाँ पे आधार नंबर इंटर करना होता है, आपके मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जाएगा वैलिडेशन के लिए। तो ये OTP आपके आधार कार्ड से लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पे भेजा जाता है। OTP आप इंटर करके वैलिडेट करोगे सेकेंड स्टेप में, और तीसरे स्टेप में आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर पाओगे, मीन्स आधार कार्ड का PDF फाइल डाउनलोड कर पाओगे और उस PDF फाइल में आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये तो उनके लिए काम करेगा जिन्होंने इनकम टैक्स के वेबसाइट से incometax.gov.in इस वेबसाइट से अपना पैन कार्ड बनवाया हुआ है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने NSDL के वेबसाइट से पैन कार्ड बनवाया होगा, यानी कि ये है वो वेबसाइट जहां से आप पैन कार्ड बनवा सकते हो। एक तो इनकम टैक्स के वेबसाइट से अप्लाई करके बनवा सकते हो, दूसरा ये NSDL का वेबसाइट है, ये भी सरकारी वेबसाइट है, यहाँ से भी आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन पैन अप्लीकेशन, यहाँ से आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हो। तो अगर आपने इस वेबसाइट से पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है और पैन कार्ड बनवाया हुआ है, तो अगर आप आधार कार्ड नंबर इंटर करके डाउनलोड करने जाओगे तो आपको एरर आ जाएगा, आप अपना पैन कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाओगे। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं अपना आधार नंबर इंटर करता हूँ, आधार नंबर इंटर करके कंटिन्यू किया तो यहाँ पर मुझे एरर आ जाता है। ये इसीलिए आया क्योंकि मैंने इनकम टैक्स के वेबसाइट से पैन कार्ड नहीं बनवाया हुआ है, मैंने NSDL के वेबसाइट से बनवाया हुआ है। तो अगर ये तरीका आपके लिए काम नहीं करता है तो आप बात करते हैं दूसरे तरीकों के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों आपको चेक कर लेना है कहीं आपने अपने पैन कार्ड का पिक्चर क्लिक करके तो मोबाइल में नहीं रखा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि पैन कार्ड आधार कार्ड का पिक्चर क्लिक करके अपने मोबाइल में रख लेते हैं, तो आपको अपने मोबाइल की गैलरी में जा करके चेक कर लेना है कहीं आपने अपने पैन कार्ड का पिक्चर क्लिक करके रखा हुआ है और वो आपको दिख जाता है, तो वहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर पता चल जाएगा। पैन कार्ड नंबर पता चल जाता है तो सारा काम हो ही जाएगा, आप पैन कार्ड डाउनलोड कर पाओगे NSDL के वेबसाइट से और पैन कार्ड रीप्रिंट के लिए रिक्वेस्ट डाल पाओगे और रिप्रिंट होकर के बाय पोस्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि
कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड, आधार कार्ड ऐसे डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स करके रख लेते हैं। तो आप अपने डॉक्यूमेंट फाइल में जा करके चेक कर सकते हो कहीं आपने उसमें पैन कार्ड का जेरोक्स करा के तो नहीं रखा है। कोई जेरोक्स आपको मिलता है तो उसमें आपको अपना पैन कार्ड नंबर पता चल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने कभी ITR रिटर्न फाइल किया है तो जब आप ITR रिटर्न फाइल करते हो तो आपको ITR रिटर्न का कॉपी मिलता है, तो ITR रिटर्न की उस कॉपी में भी आपका पैन कार्ड नंबर प्रिंटेड होता है, तो वहाँ से भी आप अपना पैन कार्ड नंबर चेक कर सकते हो, पता कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप इनकम टैक्स के वेबसाइट पर आते हो, इस वेबसाइट पर एग्जैक्टली आना है, incometax.gov.in, तो यहाँ पर आपको वापस इसी वेबसाइट पर आने के बाद अगर आपने इस वेबसाइट के लिए रजिस्टर कर रखा है, मीन्स आप ITR फाइलिंग करते हो तो आपने डेफिनेटली रजिस्टर कर रखा होगा, तो यहाँ पे आप इस बटन से रजिस्टर तो करते हो, आप यहाँ पे लॉगिन कर लोगे। अगर आपने पहले से ही रजिस्टर कर रखा है तभी आप लॉगिन कर सकते हो। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको या तो पैन कार्ड नंबर एंटर करना होता है या फिर आधार कार्ड या फिर अदर यूज़र ID। तो चूंकि मुझे अपना पैन कार्ड नंबर पता नहीं है तो मैं आधार कार्ड नंबर एंटर करके लॉगिन कर लेता हूँ। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको इस पे टिक कर लेना है और पासवर्ड इंटर कर देना है, जो भी आपने पासवर्ड सेट कर रखा है इनकम टैक्स के वेबसाइट पे, पासवर्ड इंटर करके कंटिन्यू कर लेना है। और जैसे ही आप कंटिन्यू करते हो यहाँ पे आप इनकम टैक्स के वेबसाइट पे लॉगिन हो जाते हो और यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से भी आप अपना पैन कार्ड नंबर पता कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, जब हम बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक में भी हम लोग पैन कार्ड नंबर डालते हैं, यानी कि बैंक अकाउंट के साथ पैन कार्ड नंबर लिंक किया हुआ होता है। पहला तो आप अपने बैंक में जाके चाहो तो पता कर सकते हो, वहाँ पे आप आधार कार्ड के माध्यम से खुद को वेरीफाई करवाओगे बैंक एग्जीक्यूटिव के सामने, तो वो आपको जेन्युइन पर्सन जान करके, अकाउंट होल्डर जान करके आपको अपना पैन कार्ड नंबर बता सकते हैं। इसके अलावा आप खुद से भी मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपना पैन कार्ड नंबर पता कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो आप SBI के कस्टमर हो, SBI में आपका बैंक अकाउंट है और आप योनो ऐप या फिर इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हो, तो आप क्या करोगे, योनो ऐप में जा करके अपना पैन कार्ड नंबर चेक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं वो भी बता देता हूँ। तो मान लो आपका SBI में बैंक अकाउंट है और आप योनो ऐप यूज़ करते हो, तो सिंपली आप योनो ऐप ओपन करोगे। योनो ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं MPIN इंटर करके लॉगिन कर लेता हूँ। दोस्तों, इनकेस आपका SBI में बैंक अकाउंट है और आप योनो ऐप यूज़ नहीं करते हो, इसके लिए रजिस्टर नहीं किया हुआ है, तो योनो से रिलेटेड सारी वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप पिन, पासवर्ड या फिर कुछ भी भूल गए हो इसका, योनो ऐप का, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो और सारी चीज़ें पता कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने योनो ऐप ओपन कर लिया। अगर मैं यहाँ पर इस 3 लाइन पर क्लिक करता हूँ, सर्विस रिक्वेस्ट में जाता हूँ और यहाँ पर अपने प्रोफाइल में जाता हूँ, तो आपको अपना मोबाइल बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग लॉगिन करके प्रोफाइल में चले जाना है, वहाँ पे आपको अपना सारा पर्सनल डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ मैं प्रोफाइल में आने के बाद अपना पैन कार्ड नंबर देख सकता हूँ जो कि इस बैंक अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ है। देख सकते हो, अगर मैं इस I पे क्लिक करता हूँ मुझे अपना पैन कार्ड नंबर पता चल जाता है। ये काम भी आप कर सकते हो पैन कार्ड नंबर पता करने के लिए। अब दोस्तों, सबसे लास्ट वाला तरीका बात करते हैं जो कि आपके लिए डेफिनेटली काम करेगा, सबके लिए काम करेगा। और ये जो तरीका मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लोग इसमें गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको अपना पैन कार्ड नंबर पता नहीं चल पा रहा। तो आपको करना क्या है, इस वेबसाइट पे आना है, incometaxindia.gov.in /pages/tax-helpline.aspx। इस एग्जैक्ट URL पे आ जाना है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसी वेबसाइट से आकर के आपको लेटेस्ट वाला नंबर निकालना है। लेटेस्ट वाला कौन सा नंबर निकालना है, लेटेस्ट वाला ये नंबर निकालना है, PAN/10, ये वाला नंबर। यहाँ पे आपको ये नंबर दिखाई देगा, इस नंबर पे आप कॉल करोगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक एग्जीक्यूटिव आपका कॉल उठाएगा। आप उसको बताओगे कि आपका पैन कार्ड खो गया है या फिर आपको अपना पैन कार्ड नंबर पता करना है, तो वो आपसे कुछ पर्सनल डिटेल पूछेंगे, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस वगैरह, और वो उस डेटा के बेसिस पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर बता देंगे। लेकिन वो आपको पहले वेरीफाई करेगा कि आप जेन्युइन पर्सन हो, आपका ही पैन कार्ड है। तो सारा डिटेल सही सही बताने के बाद वो आपको आपका पैन कार्ड नंबर बता देगा। लेकिन कई लोग कर क्या रहे हैं, गलती क्या करते हैं लोग, कि वो पुराने नंबर पे कॉल कर रहे हैं। पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने स्क्रीन पे एक नंबर दिखाया था, कॉल करके दिखाया था, तो जो नंबर मैंने स्क्रीन पे दिखाया था वो उसी नंबर पे कॉल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वेबसाइट पे नंबर चेंज हो चुका है, अभी नया नंबर अपडेट हुआ है, और लोग मुझे कमेंट में बोल रहे हैं कि ये नंबर काम नहीं करता जो आपने दिखाया हुआ है। वो इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि वो पुराना नंबर है, वेबसाइट पे टाइम टू टाइम नंबर चेंज किया जाता है,
तो आपको लेटेस्ट नंबर निकाल लेना है वेबसाइट से। इस वेबसाइट से मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और लेटेस्ट नंबर पर कॉल करके पता करने की कोशिश करना है। आपको यहाँ से डेफिनेटली अपना पैन कार्ड नंबर पता चल जाएगा।